मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है, यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं। और मैं और मेरे साथ में मेरी दो रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अभी अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है, जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। हम यूक्रेन यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्लीज हमें इवैक्यूएट करें, हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वीडियो जो आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो यूक्रेन का है और हमारी भारतीय लड़की ने ये वीडियो बनाया है और ये यूक्रेन में फंसी हुई है। इसने सरकार से गुहार लगाई है कि कृपया हमको यहाँ से जल्द निकाला जाए और अपने घर सुरक्षित पहुँचाया जाए। इसी तरह हमारे मेवात के 60 से 70 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो पढ़ने के लिए वहाँ गए थे, MBBS की जो डिग्री है उसको लेने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। अब सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई MBBS की जो पढ़ाई है वो हमारे भारत में भी हो सकती है, हमारे यहाँ पर जो सरकार ने सुविधा उपलब्ध करा रखी है वो यहाँ से क्यों नहीं करते। भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इतना महंगा बजट है कि वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। उनका जो बजट है इतना ज़्यादा है हमारा इंडिया का कि बहुत ज़्यादा है, और वो 5 साल तक लगातार इतना बजट कैसे दे पाएंगे। इसलिए ही तो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए कि भाई वहाँ थोड़ा बजट है और हम वहाँ दे सकते हैं और हमारा पढ़ाई भी हमारी अच्छी हो सकती है, वहाँ हमें डिग्री भी मिल सकती है, हम आगे रोजगार भी पा सकते हैं। लेकिन अंधभक्तों का क्या करें भाई, इस समय भी ये चुप नहीं है। बताइए जो हमारे भारतीय बच्चे हैं, भारतीय स्टूडेंट हैं, जो आगे के फ्यूचर हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले हैं, वो वहाँ पर इस आपदा में फंसे हुए हैं और वो इन पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। बताइए इनकी सोच देखिए अंधभक्तों की कितनी अच्छी है। मुझे इन पर अफसोस है आता है कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, इनके अंदर दिमाग है या फिर गोबर है। ऐसी आपदा में भी उन स्टूडेंटों पर टिप्पणी कर रहे हैं ये। चलिए ये बात हमने आपको बता दी, अब बात यहां आती है कि हम आपको पूरी डिटेल बता दें कि जो यूक्रेन और रूस का झगड़ा है ये 2014 से चल रहा है। 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, क्यों किया था, अब सवाल ये बनता है। इसलिए किया था कि जो रूस का जो सहयोगी जो मतलब दोस्त है वो राष्ट्रपति पद से हटा दिया था। तो जब रूस ने हमला किया था तो 14,000 लोग मारे गए थे। अब बताइए इतने ज्यादा 14,000 लोग बहुत होते हैं मारे गए थे। अब बात यहां आती है कि रूस ये चाहता है कि भाई नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो। रूस कहता है कि ये देश कठपुतली है, ये नाटो में शामिल लायक नहीं है। अब बस ये लड़ाई है कि ये हमारा कठपुतली देश है, इसको नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। और रूस ने हमला बोल दिया यूक्रेन पर। काफी लंबी स्टोरी है, अगर मैं बताऊं तो शायद सुबह से शाम तक
वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा, इतनी लंबी स्टोरी है इसकी। लेकिन बात यह है कि वहाँ फिलहाल बहुत महामारी, जो युद्ध हो रहा है, बहुत खतरनाक है और इस युद्ध से हमको भी नुकसान है। अब आप सोच रहे होंगे, भैया हमको क्यों नुकसान, हम तो सुरक्षित हैं। नहीं, हम सुरक्षित नहीं हैं। जो मार हम पर पड़ रही है वो अब डबल तिबल मार पड़ेगी। पता आपको, जो कच्चे तेल की कीमत थी वो बढ़ चुकी है, सोना बढ़ चुका है, चांदी बढ़ चुकी है, और तेल की जो कीमत है वो आसमान को छू लेंगी। और हर घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। अब साइकिल पर तो कोई निर्भर नहीं है कि भाई साइकिल पर कोई निर्भर है कि हम तो साइकिल चला लेंगे। जब डबल तिबल चौबल तेल देना पड़ेगा तो आखिरकार साइकिल पे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अल्लाह से दुआ करें, ऊपर वाले से दुआ करें, ईश्वर से दुआ करें कि इस युद्ध को यहीं थमा दें। नहीं, हमें भी नुकसान है और पता नहीं कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक अगर बम जहां पर गिर जाए, एटम बम, उसको ये कहते हैं कि पीडी भी, मतलब उसकी सजा भुगतती है, क्योंकि किसी का कान नहीं होता, किसी की नाक नहीं होती, किसी की आंख नहीं होती, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पाम नहीं होता। ये वहां का वो बन जाता है जहां पर एटम बम गिर जाता है। ये पूरी कहानी यहीं थम जाए तो ही अच्छा है। अब बात ये आती है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे मेवात के 60 से 70 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया हमको यहाँ से निकालिए। वो खुद भी आ सकते हैं लेकिन वहाँ फ्लाइट बंद कर दी गई हैं। और एक दिन पहले फ्लाइट का जो 25,000 का किराया था वो 60 या 65 हज़ार रुपये का किराया कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस युद्ध से कितना नुकसान हो सकता है। हमारे जो 60-70 बच्चे हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया हमें यहाँ से निकालिए, हमें अपने देश सुरक्षित पहुँचाइए। और हमारे जो 60-70 बच्चे फंसे हुए हैं, जो मेवाती हैं, जो यहाँ से अपने फ्यूचर को बनाने के लिए गए थे, जो पढ़ाई पूरी करने के लिए गए थे, वो भी यहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहाँ बहुत बुरी हालात है। आपने शुरू में उस लड़की का वीडियो देखा और मेरी साइड में जो चल रहा है, इस हालात को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात इस वक्त कैसे होंगे। और जिस टाइम मैं बात कर रहा हूं, पता नहीं एक दो बम तो वहां टपक दिया हो या गिर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, हम तो मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू ही पता लगा रहे हैं कि भाई ऐसी आपदा वहां पर चल रही है। तो और हमारे जो विधायक हैं फिरोजपुर झिरका से मामन, और नुहू से आफताब रहमान, उन्होंने भी सरकार से गुजारिश की है कि भाई जल्द से जल्द हमारे बच्चों को हम तक पहुंचाया जाए और सुरक्षित पहुंचाया जाए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार यूनुस अलवी से भी काफ़ी लोगों ने बात करी है, जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनसे बात की है कि भाई पत्रकार साहब आप खबर लगाइए ताकि सरकार को आप पता लग सके कि भाई वो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको यहाँ सुरक्षित लाया जा सके। ये बहुत लंबी घटना है। हमारे मेवात के 60-70 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उनके हक में दुआ करें कि वो जल्द से जल्द भारत लौट आए और सुरक्षित लौट आए और इस युद्ध को अल्लाह यहीं थमा दे। आगे का देखते हैं क्या होता है आगे, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।